दोस्तों, बारिश के मौसम में गाड़ी चलाना बहुत ही टफ होता है। जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था तो दोस्तों उस समय भी बारिश का ही मौसम था, जुलाई का महीना था। दोस्तों जब मैं गाड़ी सीख रहा था मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता था गाड़ी सीखने के लिए, अगर अचानक बाहर बारिश होने लगे तो दोस्तों क्या होता था, ये जो कांच है गाड़ी का, पूरा कांच के ऊपर दोस्तों बारिश के बूंदे आ जाती थी। तो दोस्तों क्या होता था, मुझे बाहर का कोई भी चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं देता था और दोस्तों मैं अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाता था। देखिए, अगर आप एक नए ड्राइवर हैं या तो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं दोस्तों, या तो आप पहले ही सीख चुके हैं, अगर आपके सामने पहली बार बारिश का मौसम आता है तो आपको कैसे ड्राइविंग करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको गाड़ी चलाते हुए बताऊंगा कि कहां कहां कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। बारिश के मौसम में अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपके सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग जाए तो दोस्तों आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट में ज़्यादा टर्न करके किसी को ओवरटेक ना करें, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश की जो बूंदें होती है दोस्तों आपके कांच पे आके चिपक जाती है। आप देख सकते हो कि ORVM में कुछ भी क्लियर आपको नहीं दिख पा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप एक नए ड्राइवर हैं दोस्तों, तो आपकी गाड़ी साइड वाले गाड़ी में जाके टकरा सकती है। IRVM में भी आप देख सकते हो कि कुछ भी पीछे का बराबर नज़र नहीं आता है। आप देख रहे हो दोस्तों कि जितनी भी गाड़ियां हाईवे पे चल रही है, सारी की सारी गाड़ियां एक ही स्पीड में चल रही है। कोई भी ड्राइवर बारिश के मौसम में हाई स्पीड में गाड़ी नहीं भगाता है और आपको भी गाड़ी हाई स्पीड में नहीं भगाना है, सबके साथ ही गाड़ी चलाना है। बाइक वाले अगर आपके आसपास में हैं तो आप अपनी गाड़ी को एकदम ज़्यादा सावधान रखें, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो बाइक वाले का टायर स्केट हो सकता है और आपकी गाड़ी से आके टकरा सकती है। दोस्तों बारिश के मौसम में क्या होता है, जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे तो आपको एकदम सावधानी के साथ एकदम स्लो में गाड़ी को निकालना है, क्योंकि कोई खड्ढा भी वहाँ हो सकता है। इसके लिए एकदम आराम से निकालना है और आपको ये देखना है, अगर आपसे आगे जो गाड़ी जा रही है वो अच्छे से निकल गई तो आप भी अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालें, नहीं तो आप बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं वहाँ पे। अब देखिए, लाल वाली गाड़ी के आगे टैंकर जा रही है तो अब वो अपनी राइट साइड का सिग्नल लाइट चालू करके राइट में गाड़ी निकाल दिया। अब दोस्तों मैं भी अपनी गाड़ी को राइट में निकालूंगा, क्योंकि अब वो टैंकर मेरे सामने आ गई है, अब उसके साथ में मैं चल नहीं सकता। तो राइट का सिग्नल लाइट आपको देना है, ORVM में चेक कर लेना है दोस्तों कि ORVM में पीछे से कोई गाड़ी जो आ रही है बराबर आपको दिखती है, कितनी दूरी पर है, तो आप अपनी गाड़ी को धीरे धीरे राइट में ले लें। ओवरटेक करना है दोस्तों आपको तो कभी भी झटके में स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट में नहीं घुमाना है, एकदम धीरे धीरे ही राइट या लेफ्ट में गाड़ी को ले जाना होता है। अब देखिए, मुझे लेफ़्ट में जाना है आगे से, तो मैं किस तरह से ओवरटेक करूँगा। पहले तो मैं लेफ़्ट का सिग्नल दे दूँगा, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए कि मेरी गाड़ी अब लेफ़्ट में जाने वाली है। तो मैं धीरे धीरे स्टीयरिंग को लेफ़्ट में रखूँगा और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे लाइन को कट करते हुए लेफ़्ट में ले जाऊँगा। आप देखिए, राइट से लेफ़्ट में मेरी गाड़ी आ गई और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों बारिश के मौसम में आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे लेफ़्ट और राइट में लाइन को चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पानी का जमाव रहता है और वहाँ पे कोई पैदल चलता होता है या तो कोई बाइक वाला जा रहा है, जैसे कि इस जगह पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पानी का जमाव है। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं, कोई पब्लिक या बाइक वाला है, तो गाड़ी को एकदम स्लो करके आगे निकालें, क्योंकि दोस्तों किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।